करना है। ऐसे अभी है ना, ये रहा आवाज़ कर रहे हैं, अपन को सेकंड गियर में ला लेना। सेकंड गियर में ला के हल्का एक्सीलेटर देते अपन गियर। दोस्तों बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था गियर को कब बढ़ाना है, यानी कि सेकंड गियर को कितने मिनट तक चलाना है, पहला गियर को कितने मिनट तक चलाना है, और डाउन कब करना है, और गाड़ी को बंद कैसे करना है। तो चलो फिर इसको एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं फटाफट से, है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, ताकि मैं इस चैनल में इसी तरह के नए वीडियोस डालता रहूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है बाइक जल्दी से सीख पाओ, है ना। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो, पुराना वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को चेक कीजिए। उनको देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पहला गियर को कितने मिनट तक चलाया है, या फिर दूसरा गियर को कितने देर तक चलाया है। ये सब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था आप लोगों का, तो अभी उसी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। ये कोई मिनट का खेल नहीं है भाई, जो अपन बाइक चलाते हैं ना, ये मिनट का नहीं होता है कि अपन को इतना मिनट तक का पहला गियर चलाना है, इतने किलोमीटर तक का जो है ना पहला गियर चलाना है, या फिर इतना किलोमीटर तक दूसरा गियर चलाना है, ऐसे नहीं होता है। तो उसको कैसे चलाते हैं अपन, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि गियर कब डालना है ना। तो चलो उसको सीखते हैं। तो पहले आपने स्टार्ट कर लिए है ना, अभी पहला गियर, अपन को पहला गियर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, भीड़ है या फिर कुछ गाड़ी है सामने, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया है ना, तो मैं पहला ही गियर चलाऊँगा। तो मेरे को क्या हुआ अभी, है ना, पहला गियर में ही चलना पड़ रहा है किस कंडीशन में, या फिर बहुत भीड़ है, या फिर मुझे रुक रुक के जाना पड़ रहा है, या फिर ट्रैफिक है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, पहला गियर चलाऊँगा। तो कितने देर तक चलाना है, जब तक भीड़ ख़त्म नहीं हो, जब तक मैं ट्रैफिक से निकल ना जाऊँ, तब तक मैं पहला गियर चलाऊँगा, मुझे रुकना पड़ रहा है इस वजह से, है ना। दूसरा गियर कैसे चलाना है, तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ रहा है। जैसे अभी मेरे को रुकना है फिर जाना है, तो रुक रहा हूँ, आगे ट्रैफिक है तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, इस कंडीशन में सेकंड गियर चलाना है, है ना। तो ऐसे होता है, गियर लगा लिया तो क्या हो रहा है, आवाज़, गाड़ी आवाज़ कर रहा है, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो मेरे को दूसरा गियर लगाना चाहिए। वो गाड़ी बोल रहा है कि दूसरा गियर लगा लो, है ना। तो अभी मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, इतने स्लो तो जा नहीं सकता कहीं पर, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्पीड जाऊँगा। तो क्या कर रहा है गाड़ी, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो मुझे गियर है ना चेंज करना है, यानी कि थर्ड गियर लगाना है, मेरे को गियर बढ़ाना है, है ना। तो मेरे को गियर बढ़ाना है अभी, तो इस कंडीशन में मेरे को क्या है, अपन को आवाज़ जैसे ज़्यादा करने लगे ना गाड़ी, अपन जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तो मुझे गियर बढ़ाना है, है ना, है ना। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो फिर से। अभी जैसे अभी फोर्थ गियर में हूँ, है ना, फोर्थ गियर में हूँ मैं अभी, गियर डाउन कैसे करना है वो बताऊँगा, है ना। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, ठीक है, गाड़ी कैसे आवाज़ कर रहा है, कैसे आवाज़ कर रहा है, अभी रुकने जैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे को डाउन करना है। तो यही चीज़ है, अगर गाड़ी का गियर कब डाउन करना है, कितने मिनट में डाउन बढ़ाना है, कितने मिनट में डाउन करना है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, लॉजिक नहीं है इसका बाइक सीखने टाइम। तो अब बहुत सारे लोग को स्टार्टिंग में डाउट होता है, मुझे भी होता था, कितने देर तक चलाना होगा, कितना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप गियर को बढ़ा सकते हो, डाउन कर सकते हो। अभी गाड़ी आवाज़ कर रहा है, मतलब गियर डाउन करना है, फिर से आवाज़ कर रहा है, मतलब फिर से डाउन करना है, बंद हो गया, ऐसे बंद हो जाता है जब तक डाउन नहीं करोगे। गियर ज़्यादा है, फोर्थ में है, गाड़ी स्लो है, तो आपको सेकंड में ला लेना है गाड़ी, सेकंड में ला के एक्सीलेटर देते रहोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक चलते रहेगा। जैसे ट्रैफिक एरिया हो गया, या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया हो गया, ब्रेकर हो गया, उस टाइम पर अपन ही इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। समझ आ गया होगा, जैसे समझ जाओगे तो सीख जाओगे इजीली। तो जैसे अभी चढ़ाव है, अभी मैं ना अभी फोर्थ गियर पे जा रहा हूँ मैं, है ना, फोर्थ गियर पे जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब मैं स्लो जाऊँगा, है ना, स्लो कर दिया बाइक, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, तो गाड़ी क्या है अभी अजीब सा आवाज़ करने लगेगा। इसका क्या मतलब होता है, अपन को गियर डाउन करना है, जैसे अभी है ना, ये रहा आवाज़ कर रहे हैं, अपन को सेकंड गियर में ला लेना। सेकंड गियर में ला के हल्का एक्सीलेटर देते अपन गियर बढ़ा लेना, फिर थर्ड गियर में अपन इजीली चढ़ा सकते हैं। इस टाइप का चलाना होता है, कोई मिनट देख के नहीं चलाना है, ठीक है। तो यही था, छोटा सा वीडियो है ये, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।